नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक गुप्ता पीटीजी वॉइस चैनल से और आज हम लोग आपको एक जगह लेकर आए हैं जहाँ पर एक कुत्ते को सिखाई गई है चोरी। जी हाँ, मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक कुत्ते को चोरी सिखाई गई है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ, क्या नाम भैया? विजय पाले। दिखाने वाले हैं शौचालय के बारे में एक खतरनाक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, शौचालय यानी जिसके बारे में आज स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय का जो कार्य चल रहा है उसके बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। नाम बताइए सर, क्या नाम है सर आपका? जगदीश। तो जगदीश सर आज हमारे साथ मौजूद है। जगदीश सर, मैं स्वागत करता हूँ आपका। तो विजय पाले जी आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ, ठीक है। तो विजय पाले जी, हमें बताइए, मतलब वो जो कुत्ता है जो लगातार चोरी कर रहा है यहाँ, जिनको चोरी सिखाई गई है, वो कुत्ता कितने लोगों के साथ चोरी कर चुका है विजय पाले जी? सात आठ लोगों के साथ उस कुत्ते ने चोरी कर चुकी है। जगदीश श्रीवास्तव सर आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक्सक्लूसिव चैनल में। तो आइए पूछते हैं जगदीश श्रीवास्तव सर से कि क्या समस्याएं हैं सचिव शौचालय के बारे में। तो बताइए शौचालय के बारे में क्या समस्याएं हैं सर आपको? आप दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जो दिए जी दोस्तों। अच्छा, देखिए गड्ढे के बारे में, ठीक था दोस्तों, ध्यान से सुनिए, गड्ढे के बारे में बता रहे हैं सर। तो क्या है गड्ढे में, क्या है बताइए आप? वो जो कुत्ता है बहुत खतरनाक, कितना खतरनाक कुत्ता बताइए आप विजय पाले जी? बहुत खतरनाक कुत्ता है, जैसे कि आप सुन रहे हैं दोस्तों, बहुत खतरनाक कुत्ता है। उस कुत्ते ने सात आठ लोगों के साथ चोरी कर चुकी है और लगातार वो कुत्ता जो एक गिरोह है, वो कुत्ते का गिरोह जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो किस कलर का कुत्ता है विजय पाले जी? आप ठीक है, हाँ पैसा दे दिए, हाँ दे दीजिए जी हाँ, लेकिन शौचालय तो खड़ा हो गया, हाँ, लेकिन उसका गड्ढा तैयार नहीं हुआ है, किसी का तैयार नहीं हुआ है जी, जी। तो कैसे हो गया है? देखिए ये कितनी गंभीर समस्या है दोस्तों, शौचालय में गड्ढा नहीं बनाया गया है। बताइए बिना गड्ढे के कैसे कोई इंसान शौचालय जा सकता है, क्यों बताइए? काला कलर का है। तो काला कलर का कुत्ता है दोस्तों, जी हाँ काला कलर का कुत्ता है, जो कि आतंक मचा रखा है इस एरिया में, कई लोगों को परेशान कर रखा है। तो आइए जानते हैं कि क्या करता है, कैसे चोरी करता है वो विजय पाले जी, बताइए। तो दुकान उकान में घुस कर क्या बोलते हैं घुस जाता है और चोरी कर लेता है। तो दुकान में घुस कर चोरी करता है, तो लोगों के मना करने पर भगाने पर क्या करता है, उसका रिएक्शन कैसा होता है जब आप रोकते हैं दोस्तों? कि कुत्ते को जो समझाइश दी गई है, जो कुत्ते को जो सिखाया गया है चोरी का जो तरीका सिखाया गया है वो कितना खतरनाक है, वो कुत्ता लोगों को काटता भी है। कहाँ काटता है विजय पाले जी बताइए? ये सर और किसी का बाथरूम खड़ा हो गया है तो किसी का गड्ढा खड़ा नहीं हुआ है, किसी का गड्ढा हो गया है तो कभी का बाथरूम खड़ा नहीं हुआ तो कैसा हो गया? जी जी, तो देखिए दोस्तों, ये आपके नाम क्या बताया सर? जगदीश दोस्तों ये वही जगदीश श्रीवास्तव है जिन्होंने शौचालय कार्य में पैसा खाया है। वो कहीं भी काट लेता है। तो कहीं भी काट लेता है, जी हाँ दोस्तों, कहीं भी काट लेता है वो कुत्ता, इतना खतरनाक कुत्ता। तो विजय पाले जी, कभी आपकी उससे कुछ सामना हुआ, कुछ ऐसा कुछ सामना अगर विजय पाले जी कुछ हुआ हो आपके साथ उसका कुछ सामना, अगर उस काले रंग के कुत्ते का? मेरे साथ तो नहीं हुआ है। आपके साथ नहीं हुआ है, तो जिनका होता है उनको क्या करते, सरकार कुछ कर रही है कि नहीं उनके लिए, मतलब उस कुत्ते खतरनाक कुत्ते के लिए कुछ कर रही है कि नहीं सरकार? आप बताइए विजय पाले जी, हमारे दर्शकों को बताइए, इतना खतरनाक कुत्ता नहीं कर रहा है, नहीं कुछ नहीं कर रही है, इन्होंने ही पैसा खाया है दोस्तों। जगदीश सर है जिन्होंने शौचालय के कार्य में पैसा खाया है, इन्होंने शौचालय कार्य में 1.5 लाख रुपए पैसा खा गए हैं। तो बताइए क्यों खाया आपने पैसा 1.5 लाख रुपए? हम लोग ने खाए, इन्होंने खाया है दोस्तों। आज हमारे चैनल के सामने भले ही ये शरीफ बन रहे हैं, भले ही आसान बन रहे हैं, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि इन्होंने पैसा खाया है। आप झूठ मत बोलिए, बताइए सर आपने पैसा खाया है, क्यों खाया आपने पैसा? आप लोग नरेंद्र मोदी दे दिया, ठीक है, वो अभी देखिए ये कैसे बात को घुमा रहे हैं। आज जब हमारे सामने ये फंस चुके हैं, हमारे कैमरे के सामने जब आ चुके हैं, हम 3 दिन से इनके बारे में एक्सक्लूसिव जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, जो जगदीश के बारे में हम 3 दिनों से न्यूज़ दिखा रहे हैं, वही जगदीश है, इन्होंने ही पैसा खाया है शौचालय का, कई पैसे खा गए, बहुत सारे पैसे खा गए ये। तो आइए जानते हैं क्यों आप पैसा क्यों खा रहे हैं सर? कभी का पैसा नहीं खाए हैं। आपने पैसा खाया है, आप झूठ ना बोले। नहीं, पैसा तो खाया है सर आपने, हम 3 दिन से दिखा रहे हैं यहां पे, देखिए आप 3 दिन से आपने दिखा रहे हैं, आपने पैसा खाया है, आपने क्यों पैसा खाया, क्या जनता का पैसा खाने का आपको अधिकार है? हम तो देखिए भाई, हम लोग किसी का जनता नहीं, आपने खाया है, हम नहीं नकल नहीं, हम लोग भाई जो गरीब आदमी है हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम किसी का पैसा नहीं, आपने पैसा खाया है, आपके मेरे सामने भले ये झूठ बोल रहे हैं मगर इन्होंने पैसा खाया है, आप झूठ ना बोले जगदीश जी। आप बताइए आपने कितना पैसा खाया है? हम लोग कुछ। अच्छा, पैसा नहीं खाया है क्या? हम लोग
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋत्विक गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? राज कपूर। तो आज हमारे साथ मौजूद है राज कपूर जी। जी हाँ दोस्तों, राज कपूर जैसा इनका नाम वैसा इनका काम, एक हीरो की तरह नाम है, एक हीरो की तरह काम है इनका राज कपूर जी। तो जी हाँ बताइए राज कपूर जी, यहाँ इस रोड में क्या समस्याएं हैं, कैसा है ये रोड बताइए? धुआं देता है, आने जाने में दिक्कत जाता है, और जगह जगह खड्डा है। देखिए गड्ढा है दोस्तों इसमें। ये देखिए जो रोड है कितना खतरनाक है, राज कपूर जी हमें बता रहे हैं कि गड्ढा कितना है, क्या समस्या है इस रोड में। राज कपूर जी बताइए, देखिए मोटरसाइकिल को साइड लेने में दिक्कत जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज मैं अपने 120 करोड़ देशवासियों से जानना चाहूंगा, क्या ये जरूरी है? देखिए ये बाइक वाले देखिए कैसे परेशानी से जा रहे हैं, ये होता है इसी तरीके की परेशानी है। तो ये जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, ये वही राज कपूर है जो गांजा नशा बाकी चीजों से एडिक्ट है। जी हाँ दोस्तों, एक तो है ना सर आप ही है वो जो नशा करते हैं बहुत ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, ये वही राज कपूर है जो नशा करते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गांजा पीते हैं, जिनके वजह से इनके घर में आए रिश्ते भी टूट गए। बताइए राज कपूर जी, नहीं है क्या फालतू बात। देखिए जो यहाँ दोस्तों, अब देखिए हम जब हमारे न्यूज के सामने आए हैं तो ये शर्मा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। बताइए ऐसा करना चाहिए क्या? गुटखा खाता हूँ बस। गुटखा खाते हैं आप? तो गुटखा खाना क्या सही है? गुटखा खाना तो सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ तो क्यों खाते हैं आप गुटखा? सर देखिए, दुकानदार को आदमी बोलिए ना बंद करवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, दुकानदार की गलती है, क्या कोई दुकानदार की गलती है कि आप गुटखा खाते हैं? नहीं मतलब बेचता हूँ वो है उसका गलती। देखिए तो ये वही राज कपूर जी हैं जिनको गुटखा खाने की वजह से आज बहुत ये परेशान है, है ना राज कपूर जी? बहुत परेशान है कि नहीं आप? परेशान तो अरे नहीं है क्या? अरे भाई तुम पे देख भाई मजाक कर रहे हैं। देखिए तो जबरदस्त बिगाड़ते हैं दोस्तों, ये इंसान जबरदस्त बिगाड़ता है इस रोड को। क्यों बताइए, क्यों बिगाड़ रहे हैं आप इस रोड को? क्योंकि शासन हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए हम जबरदस्ती बिगाड़ रहे हैं। देखिए शासन ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए ये लोग को जबरदस्ती बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे ठगी करनी चाहिए? आप ठगी कर रहे हैं मुकेश जी, आप बिल्कुल ठगी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं, कैसे नहीं कर रहे हैं? 10 में आप 7 गुपचुप दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए, मैं तो बचपन में 10 में 6 गुपचुप खाया करता था, 10 गुपचुप खाया करता था, आप 7 दे रहे हैं। धार्मिक स्थल में आप पाप का काम कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा पाप करना चाहिए? क्यों नहीं है पाप? ये आपने महंगाई बढ़ा रखी है मुकेश जी, ये बिल्कुल नहीं है। बताइए मुकेश जी, देखिए आप डरिए मत बिल्कुल, जो महंगाई आपने बढ़ाई है, आपने इतना महंगा कर रखा है गुपचुप, इसके बारे में बताइए आपने क्यों किया है इतना महंगा? महंगा नहीं, दूसरी जगह महंगा है। आप गरीब लोगों को लूट रहे हैं। कहां से लूट रहे हैं? अरे आप लूट रहे हैं, देखिए 10 में 7 में आप लूट रहे हैं। तो क्या आपको लूटना चाहिए ऐसे मुकेश जी, बताइए? नहीं लूट। हाँ लूट, प्रैंक्स लूट कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब चैनल से। अरे भाई मजाक कर रहे हैं मुकेश भाई, एक नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं है क्या? अरे भाई तुम मजाक कर रहे हैं ना।